हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैब ग्रोथ चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं वो अशोक लेलैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हम लोग इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे और डीपली एनालिसिस किया मैंने इस पर, और इसके लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पे इस स्टॉक पे क्या असर होने वाला है गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, और जो एक्सेल लोड जो नया गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला है उससे स्टॉक पे क्या असर होने वाला है, वो सारे चीज़ों पर बात करेंगे। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जो आप लोगों को डिसीजन लेने में काफ़ी आसान होगी इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस नॉर्म के अकॉर्डिंगली, इस गवर्नमेंट के नॉर्म जो गवर्नमेंट ने ये ट्रक एक्सेल लोड के लिए नॉर्म्स बनाया है, रूल्स बनाया है, उससे इस स्टॉक पे काफ़ी असर होगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं, ये स्टॉक तो सभी को पता है कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 118.30 का भी करंट चल रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में जानते हैं कि इसका क्या अभी फ्यूचर में इसका कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा, और क्या इसका बैड है, बैड न्यूज़ और क्या गुड न्यूज़ है। एक्चुअली दो न्यूज़ है मेरे पास इसका। एक तो एक्सेल लोड का, जो आप सभी को पता है कि ये गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला है तो उसका क्या असर होगा। दूसरा ये है कि इसका एक पॉजिटिव भी न्यूज़ है जो इसके परफॉर्मेंस पर असर डालेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यू एक्सेल गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उसके हिसाब से क्या क्या असर होने वाला है ये स्टॉक पे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जाए नहीं देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट न्यू रूल्स फॉर हायर एक्सेल लोड फॉर ट्रक्स का है, इसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी कंपनी ने ट्रक्स ऑलरेडी जो बना चुकी है उसका क्या होगा, फिर नए ट्रक के हिसाब से जो उस पर लागत आएगी, खर्च आएगी, असेंबली लाइन में भी बहुत सा तब्दीली करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ जो है स्टॉक पे काफ़ी, कंपनी पे काफ़ी असर होगा, सेल्स ग्रोथ पे असर होगा, अर्निंग्स पे होगी। तो ये रूल्स के, इस नया रूल्स से इस कंपनी पे एक गहरा असर होगा, जो दो तीन महीनों तक इसका असर हो दिखेगा स्टॉक के ऊपर भी। और दूसरा जो नंबर पे है, जो कस्टमर डिमांड ओनली न्यू एक्सेल कैपेसिटी ट्रक, ये क्या होगा दोस्तों कि जो कस्टमर अभी जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया है कि जो भी 25% जो उसका ओवरलोड गवर्नमेंट अलाउ किया है, तो उससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर हमारे होंगे, जो भी हेवी ट्रक के जो कस्टमर होंगे, तो वो चाहेंगे कि अब जो नए रूल्स के अकॉर्डिंगली जो ट्रक बनाई जाए वो हमें मिले। तो उस हिसाब से जो कस्टमर डिमांड करेंगे, वेट करेंगे कि जो नए ट्रक्स आएंगे वो लेंगे, क्योंकि उनका वो 25% लोडिंग कैपेसिटी उनका ज़्यादा होगा उस ट्रक के ऊपर, तो ये कस्टमर के लिए होगा। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि जो भी ये अशोक लेलैंड ने जो पुराने ट्रक बना चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी अभी बना के जो होंगे उनके पास, उस ट्रक्स का क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा कंपनी के लिए। और तीसरा जो बात है, जो असेंबली लाइन नीड टू बी चेंज टू फुलफिल न्यू रूल, इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो कंपनी ये 25% एक्सटेंड इन्हेंस करेगा अपनी गाड़ियों में, तो उसके लिए जो होगा उनके असेंबली लाइन में भी चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज जो होगा जो ट्रक बनाई जाएगी उसके चेचिस में चेंज होगा, उसको चेचिस में 25% कैपेसिटी और इन्हेंस करना पड़ेगा, उनका स्टेयरिंग सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, टायर्स भी चेंज करना पड़ेगा, ब्रेकिंग सिस्टम जो होगा ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों जैसे हम लोगों ने देखा है कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के टाइम में जो नोट चेंज हुआ था उस हिसाब से ATM को भी एडजस्ट किया गया था दोस्तों, उसी हिसाब से ये कंपनी के नए रूल्स के हिसाब से ये 25% जो लोड कैपेसिटी ट्रक्स की बढ़ाई जाएगी, उस हिसाब से इनको काफ़ी इनके असेंबली लाइन जहाँ पे ट्रक असेंबल होती है, बनाई जाती है, वहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, जो इन कंपनी के लिए तीसरा बहुत बड़ा सरदर्द है। और आगे अगर देखते हैं दोस्तों, ये अशोक लेलैंड है जो कि बेसिकली हेवी और मीडियम व्हीकल्स बिजनेस डील करती है, इनका ज़्यादा पैसेंजर सेगमेंट कार्स वगैरह में नहीं है, तो इस रूल्स का सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी पे असर होगा तो वो है अशोक लेलैंड,
क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि अशोक लीलैंड जो भी ट्रक ज़्यादा से ज़्यादा ये बिज़नेस इसका जो रेवेन्यू आता है वो ट्रक से आता है, तो इनका असर ज़्यादा, इनका इस रूल्स का ज़्यादा असर जो होगा वो इस कंपनी पे होगी। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं टाटा से, तो टाटा का क्या है कि उनकी छोटी कार्स भी हैं, पैसेंजर है, तो उनको ज़्यादा असर नहीं होगी जितना असर अशोक लीलैंड पे होगी। क्योंकि अशोक लीलैंड का बिज़नेस जो है ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है, वो ज़्यादा उनका रेवेन्यू ट्रक से आता है, हैवी व्हीकल से ही आता है, कमर्शियल व्हीकल से ही आता है। तो ये चौथा सरदर्द इस कंपनी के लिए है। अगर पांचवा, अगर हम लोग अगर पांचवे पॉइंट पे बात करते हैं, तो पांचवा पॉइंट क्या है कि जी ये सारे जो अभी मैंने चार पॉइंट बोले, इसके वजह से कंपनी के ग्रोथ पे काफ़ी असर होगा। और ये जो असर जो 3 से 4 महीने ये न्यू रूल्स को एडजस्ट करने के लिए कंपनी को लग जाएगी, जिसमें ये कंपनी का ग्रोथ 3-4 महीने काफ़ी भयंकर असर होगा इसके ग्रोथ पे। और अगर आप छठे नंबर पे हम बात करते हैं, 6 पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया है वो क्या है, कस्टमर डिमांड विल बी रिड्यूस बिकॉज दे विल ट्राई टू इन्हेंस एग्जिस्टिंग ट्रक्स। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि कस्टमर जो डिमांड करेगा वो पहले पहले कस्टमर ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ट्रक्स हैं उनका जो उनको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया जाए। मान के चलो कि किसी कंपनी में 400 ट्रक्स चल रही है, 400 ट्रक्स में अगर उनको 25% ईच ट्रक की कैपेसिटी को इन्हेंस कर दिया जाए, तो अब उनके पास क्या होगा कि जो 500 ट्रक चल रहे थे वो अब 400 ट्रक रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी। यानी कि जो उनको 500 ट्रक्स में काम होता था अब वो 400 ट्रक में काम हो जाएगी। तो अब क्या होगी, कंपनी को 100 ट्रक्स नहीं लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को बचत होगी और डिमांड में कमी आएगी। तो अशोक लीलैंड के पास डिमांड में कमी आएगी, यानी कि इस रूल के हिसाब से जहाँ पे 5 ट्रक यूज़ होते थे वहाँ पे अब 4 ट्रक यूज़ होंगे। तो ये भी एक सेल्स में कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी कंपनी के लिए। अगर आगे 7वें नंबर पे बात करते हैं, तो इफ़ दिस चेंज विल बी हैपन देन ट्रक्स प्राइस विल बी इंक्रीज। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अगर ये सब सारे चीज़ 25% इन्हेंस करने की जो बात है ट्रक में, तो इसमें ये सारे चीज़ चेंजेस होंगी, उनके असेंबली लाइन चेंज होंगे, ट्रक के टायर्स चेंज होंगे, स्टेयरिंग सिस्टम चेंज होंगे, ब्रेकिंग सिस्टम चेंज होंगे, और उनके जो चेचिस वगैरह वो चेंज होगा। तो इसमें जो चेंजिंग आएगी, कैपेसिटी लोड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, तो उससे उनके कॉस्ट में भी इजाफा होगा, जिसके वजह से ट्रक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये एक अलग सरदर्द है कंपनी के लिए। 8वें पॉइंट पे जो हम लोग बात करेंगे, तो कंपनी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ था 2019 और 2020 के लिए, ये करीब करीब 20 से 30% का ग्रोथ था। ऑलमोस्ट उन्होंने बताया था कि 23 से लेकर 28% का ग्रोथ उन्हें 19 फिस्कल ईयर 2019 और 2020 में होने वाला था। लेकिन ये अभी रिपोर्ट आई है दोस्तों कि इस सिनेरियो की वजह से इनका ग्रोथ जो है वो तो मैच नहीं कर पाएंगे जो इनका 23 और 28% का ग्रोथ था, लेकिन इनके ग्रोथ में क्या होगा, 13% का ड्रॉप होगा। मतलब 13% इनकी ग्रोथ में गिरावट आएगी इस वजह से, ये जो नए रूल्स की वजह से इनको 13% का गिरावट झेलना पड़ेगा, जो एक अलग टेंशन है कंपनी के लिए। और जो 9वें पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, दिस होल सिनेरियो पुट प्रेशर ऑन द स्टॉक फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स। अब क्या होगा दोस्तों, ये सारे सिनेरियो की वजह से स्टॉकर जो भी इन्वेस्टर इसमें डर बना रहेगा, और इसका प्रेशर हमेशा स्टॉक पे दिखेगा, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करेगा और नीचे रहेगा, इसका ऊपर नहीं भागेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें क्या होगा, जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे SIP की तरह इसमें हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, ताकि हमारे लॉन्ग टर्म में वो चीज़ फायदा करेंगे, क्योंकि हम लो प्राइस पे स्टॉक खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म में वो फायदा करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही टाइम है इसमें धीरे धीरे करके, जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी को हम लोग पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, जो बेनिफिट करेगा। और जो चौथा जो अभी प्रेशर बना है स्टॉक के ऊपर, वो है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है 2018 का, उसका प्रॉफिट और उसका सेल्स दोनों डाउन दिखा है, जिसके वजह से इसके स्टॉक पे असर पड़ा है। तो ये सारे सिनेरियो मिला के स्टॉक पे प्रेशर रहने वाला है शॉर्ट और मीडियम टर्म में।
लास्ट क्वार्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 मार्च में 18 में आप देखिए यहाँ पे करीब करीब 8772 करोड़ का सेल था, जो कि इस जून फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के 6250 करोड़ का था। मतलब काफ़ी इसने यहाँ पे नेट सेल्स में सेल्स डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट भी देखिए, आपने पिछले क्वार्टर मार्च में 667 करोड़ का इसमें प्रॉफिट दिखाया और इस क्वार्टर में 370 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा काफ़ी ये डाउन रहा। अब चलते हैं इस कंपनी के एक गुड न्यूज़ में, जो कंपनी के गुड न्यूज़ है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशोक लीलैंड का ये न्यूज़ आई है, आज ही न्यूज़ आई है यहाँ पे, अशोक लीलैंड जुलाई सेल्स राइज 27% एट 15,199 यूनिट्स। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कंपनी का टोटल जो सेल है मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल में, इसका सेल्स जो है यहाँ पे देखिए करीब करीब 27% इंक्रीज़ किया है इस जुलाई के महीने में। अब ये बात आती है कि ये रूल आने के बाद ये तो सेल्स ग्रो कर रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि जो नया रूल्स आया था गवर्नमेंट की तरफ से, ये करीब करीब 21 और 22 जुलाई को आया था, उसके बाद असर हुआ, जबकि इनका 21-22 दिनों का बिजनेस हो चुका था, जिसके वजह से ये जो है रिज़ल्ट। अब इस रिज़ल्ट को किस तरह से देखते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिज़ल्ट आई थी 21 और 22 को, तो करीब इस महीने का 8 या 9 दिन इनके पास रहा जो बिज़नेस करने के लिए। इस रिज़ल्ट में इसने जुलाई में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे इनका यहाँ पे देख सकते हैं, अशोक लीलैंड हैज़ रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 2018। द कंपनी जुलाई 2018 टोटल सेल्स जम 27% एट 15,199 यूनिट्स अगेंस्ट। इसने पिछले जुलाई के हिसाब से इस जुलाई जो क्वांटिटी इसने सेल किया है 15,199 और पिछले साल इसी जुलाई में उसने 11,981 यूनिट सेल किया था, तो इसमें 27% का इनका ग्रोथ हुआ है। इनका मीडियम और हेवी दोनों में इनका ग्रोथ हुआ है, तो ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं इस कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए। और आगे अगर देखते हैं हम, इनका सेंटीमीटर अभी जो है बाइंग का सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो हमारे जो भी लॉन्ग इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो तो दिल खोल करके बाई करें इस गिरावट में, काफ़ी सही रहेगा, लेकिन शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, तो सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्ट करें इस पर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने कितना इन्वेस्ट किया स्टॉक में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं DSP, ब्लैक रॉक, मोतीलाल, कोटक, ICICI, रिलायंस, SBI, HDFC, आदित्य बिरला, एक्सिस और टाटा म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है, और किसी ने इस क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल मिला जुला के ये बात इसमें निकलता है दोस्तों, इस स्टॉक में थोड़ा संभल करके अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हैं, तो मुझे तो लगता है कि शॉर्ट और मीडियम टर्म वाले अभी इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म वाले को तो जब भी गिरावट हो उसमें दबा के ख़रीदें, एक बार में पूरा पैसा अपना ना लगाएं, धीरे धीरे करके एक SIP जैसा आप धीरे धीरे क्वांटिटी में इसमें लेना शुरू करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन अशोक लीलैंड के बारे में, तो इस वीडियो को देखने की आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, काफ़ी अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक ज़रूर पहुँचेगा। तो प्लीज़ थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो।